तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। होपफुली वी ऑल आर डूइंग वेल। तो आईसीएच का ज्ञान का सागर में डुबकी लगत लगते आ गए हैं एक नया गाइडलाइन को लेके, जो है आईसीएच हार्मोनाइज ट्राइपार्टाइट गाइडलाइन क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसमें आता है एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट इन सेल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए डिराइव्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स, जो है Q5B। सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड होते हैं इस गाइडलाइन के साथ, दैट मींस लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू द गाइडलाइन। दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट्स गाइडेंस रिगार्डिंग द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट for the production of recombinant DNA proteins product in eukaryotic and prokaryotic cell। तो मतलब ये जो गाइडलाइन है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन। मतलब हम लोगों को जो एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट है, उस एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट का कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट से डीएनए प्रोटीन प्रोडक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोटीन जब हम लोग बनाएंगे इन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक सिंगल न्यूक्लियर सेल और से मल्टी न्यूक्लियर सेल जो भी होगा, दोनों की केस में ही मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों की केस में ही ये कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड करेगा for the expression construct। This document is intended to describe the type of the information that are considered valuable in accessing the structure of the expression construct used to provide the recombinant DNA derived proteins। This document is not intended to cover the whole quality aspects of rDNA derived medicinal products। मतलब क्या है कि ये जो गाइडलाइन है, ये सारा जितना भी आरडीएनए डिराइव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट है सबके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता। ये पर्टिकुलरली कुछ डीएनए डिराइव्ड प्रोटीन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आगे चलते हुए देखते हैं एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट क्या है। द एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन वेक्टर containing the coding sequence of the recombinant protein। तो मतलब क्या है, expression construct is defined, मतलब हम लोग इसको define कर सकते हैं ऐसे कि this is a expression vector, ये एक expression vector है this containing the coding sequence, जिसके अंदर एक particular coding sequence होता है। vector के अंदर हम लोग जानते हैं vector is a coding sequence, तो इसके अंदर एक coding sequence होता है of the रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हम लोगों को जो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम लोग फॉर्मुलेट करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहता है, उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का एक वेक्टर है जिसके अंदर एग्जैक्ट कोडिंग सीक्वेंस कोडिंग प्रेजेंट रहता है। नाउ सेगमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट शुड बी एनालाइज्ड यूजिंग द न्यूक्लिक एसिड टेक्निक्स इन कंजंक्शन विद अदर टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द purified recombinant proteins for assuring the quality and consistency of the final product। Analysis of expression construct at the nucleic acid level should be considered as the part of overall evaluation of the quality, taking into account that this testing only evaluates the coding sequence of the recombinant gene and is not the translational fidelity, not the characteristics of the recombinant protein such as secondary structure, tertiary structure and or the post translational modifications। So matlab bol rahe ki analysis of expression construct, expression construct ka jo analysis ka technique hoga at nucleic acid level, nucleic acid level mein जो भी एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट होगा उसके एनालिसिस का टेक्निक जो होगा, इट शुड कंसीडर्ड
एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ द क्वालिटी, जिससे हम लोग ओवरऑल क्वालिटी को इवेल्युएट कर पाएंगे, टेकिंग इन अकाउंट दैट द टेस्टिंग ओनली इवेल्युएट द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट जीन, जिसमें हम लोग जो भी रिकॉम्बिनेंट जीन होगा उसका कोडिंग सीक्वेंस को लेके ही हम लोग आगे एनालिसिस के लिए जाएंगे. एंड दिस इज नॉट द ट्रांसलेशनल फिडेलिटी, द टोटल ट्रांसलेशनल फिडेलिटी को लेके हम लोग बात नहीं करेंगे. अदरवाइज द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी लेके हम लोग इस गाइडलाइन में बातचीत नहीं कर रहे. सच अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का तो एक प्रोटीन फोल्डिंग होगा ना, तो प्रोटीन फोल्डिंग होगा तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा और उसका ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होता है. ये सारा चीज इस गाइडलाइन में कवर नहीं किया है, खाली इसमें एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट का बारे में ही बोला गया है, उसका एनालिसिस का टेक्निक्स के बारे में डिटेल्स डिस्क्राइब किया गया है. नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं कि रैशनल फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट. द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ द एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट इज टू एस्टैब्लिश दैट द करेक्ट कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन incorporated into the host cell and is maintained during the culture to end the cell production. तो सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका रैशनल ये है कि द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट, हम लोग एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है टू एस्टैब्लिश द करेक्ट कोडिंग सीक्वेंस. हम लोग करेक्ट कोडिंग सीक्वेंस को, हम लोगों को करेक्ट कोडिंग सीक्वेंस मिले ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल, जो होस्ट सेल के अंदर जो भी अपना इनकॉर्पोरेटेड किया गया है वो इनकॉर्पोरेटेड पर्टिकुलर कोडिंग सीक्वेंस हम लोगों को रिकवरी मिले, उसके लिए ही हम लोग ये गाइडलाइन को डिराइव किया है. एंड इट शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द कल्चरिंग एंड अप टू द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जितना भी कल्चर एक्टिविटी, कल्चर फॉर्मेशन होगा, कल्चर लेके जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी चलेगा, एट द एंड ऑफ हम लोगों को पर्टिकुलर उस कोडिंग सीक्वेंस ही हम लोगों को मिले. द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स कैन अंडरगो म्यूटेशंस दैट कुड ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन विथ पोटेंशियल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस पेशेंट. जो भी जेनेटिक सीक्वेंसेस है, जो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनता है या फिर जो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक टास्क जो है वो होता है कि म्यूटेशन होने का चांस. म्यूटेशन में क्या होता है, म्यूटेशन में उसका जो भी प्रोटीन बनता है उसका प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाता है और उसकी वजह से एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक दूसरा ही कुछ प्रोटीन शायद डेवलप्ड हो सकता है. दैट मीन्स हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि म्यूटेशंस ना हो, जो भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो दैट शुड बी अंडरगो द म्यूटेशंस दैट कुड ऑल्टर हो म्यूटेशंस द प्रोटीन पोटेंशियल एडवर्स, जिसकी वजह से पोटेंशियल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस घट सकता है, तो उसको रोकने के लिए ही ये गाइडलाइन है. नाउ आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है. प्रोटीन एनालिटिकल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द एक्सप्रेस प्रोटीन ड्यू टू द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सच एज प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग, ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन and acetylation. Nucleic acid analysis can be used to verify the coding sequences and the physical state of the expression construct. The nucleic acid analysis is performed to ensure that the expressed protein will have the correct amino acid sequences, but is not intended to thus detect of low level of the variant sequence. While the production cells have multiple integrated copies of the expression construct, not all of which may be translationally active, expression of the translation product itself be analyzed of
mRNA or cDNA may be more appropriate than the analysis of genomic DNA. Analytical approaches that examine a bulk population of the nucleic acids, such as those performed on pooled clones or material amplified by the polymerase chain reaction, that is PCR. It should be considered as an alternative to approaches that is used on the selection of the individual DNA clonings. अभी देखते चलते हैं. Analytical methodology should be validated for the intended purposes of confirmation of the sequence. The validation documentations should a minimum to include the estimate of the limit of detections of the variant sequences. This should be performed for either nucleic acid or protein sequencing methods. अभी आगे चलते हुए देखते हैं characterization of the expression system. Expression system का characterization कैसा है उसको चलिए थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं. Expression construct and cell clone used to develop the master cell bank. The manufacturers should describe the origin of the nucleotide sequence coding and the proteins. This should include identification and source of the cell from which the nucleotide sequence was originally obtained. Methods used to prepare the DNA coding for the proteins should be described. Example, the origin of replications, antibiotic resistance gene, proteomers, enhancers, whereas also not the protein is being synthesized as a fusion protein. The nucleotide sequences of the coding region of the gene of interest and associated flanking region are the interested into the vector up to the including of junctions of insertions should be determined by the DNA sequencing of the construct. A description of the method of transfer of the expression construct into the host cell should be provided. In addition, methods used to amplify the expression construct and the criteria used to select the cell clone for the production should be described in details. Now, let's discuss about cell bank system. Production of the recombinant DNA protein should be based on the well-defined master and working cell banks. A cell bank is a collection of ampoules of uniform composition stored under the defined condition, which containing an aliquot of single pool cell. The master cell bank or MCB is generally derived from the selected cell clone containing the expression construct. The working cell bank WCB is derived by expression of one or more ampoules of the master cell bank. The cell line history and the production of cell banks should be described in detail, including the method and the reagents used during the culture, in vitro cell age and the storage conditions. Now, let's discuss the nucleic acid sequences encoding the product could be verified by the techniques such as sequencing of pooled cDNA clones or material amplified by the polymerase chain reaction. Limit of in vitro cell age for production. The limit of in vitro cell age for production should be based on the data derived from production cells expanded under pilot plant scale or full scale considerations
to the proposed in vitro cell age or beyond. Generally, the production cells are obtained by the expression of working cell bank. The master cell bank could be used to prepare the production cells with appropriate justifications. अभी हम लोग आ गए हैं इस गाइडलाइन का छोटा गाइडलाइन है तो इसके कंक्लूजन तक हम लोग पहुंच गए हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन. द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन कॉन्स्ट्रक्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट प्यूरिफाइड से प्रोटीन आर से बोथ इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिराइव्ड प्रोटीन एज डिस्क्राइब्ड अबव. It is considered that analytical data derived from both the nucleic acid analysis and evaluation of the final purified protein should be evaluated to ensure the quality of the recombinant protein product. So, यहाँ तक ही था अपना छोटा गाइडलाइन. कैसे लगा आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करिए. अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आप लोग देखते तो व्यू बहुत करते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. प्लीज डू प्रेस द रेड कलर सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल बी इन टच विद माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड फॉर एवरी न्यू अपलोडेड वीडियोज. सो थैंक यू वेरी मच.